में प्रदूषण से निपटने के लिए 15 अक्टूबर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू किया जाएगा जो कि 15 मार्च तक लागू रहेगा। इस दौरान दिल्ली एनसीआर में डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। वहीं प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत दिल्ली एनसीआर में डीजल जनरेटर पूरी तरह से बंद रहेंगे जिसमें किसी को कोई छूट नहीं दी जाएगी। साथ ही दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे में कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह से रोक लगेगी। राजधानी में प्रदूषण का स्तर कुछ दिनों में सामान्य श्रेणी से खराब और बहुत खराब श्रेणी में पहुंच सकता है। डीजल जनरेटर सेट पर प्रतिबंध को लेकर पहली बार दिल्ली के साथ साथ एनसीआर के शहरी क्षेत्रों को भी शामिल किया जा रहा है। आवश्यक सेवाओं के अलावा सभी जगह डीजल जनरेटर सेटों के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण के इस आदेश के बाद उद्योगपतियों ने इसका कड़ा विरोध किया है। उद्योगपतियों का कहना है कि मंदी की मार झेल रहे उद्योगपतियों पर एक और परेशानी खड़ी करने का काम किया गया है। फरीदाबाद औद्योगिक क्षेत्र होने के बावजूद यहां बिजली कट की परेशानी आए दिन बनी रहती है। ऐसे में जनरेटर बंद करने से उनके उद्योग तक बंद हो जाएंगे। ये काफ़ी बड़ी मार है यहाँ के उद्योगपति पे, क्योंकि व्यवसाय बिल्कुल चौपट हो जाएगा। मुझे लगता नहीं है कि आसान रहेगा जब लाइट नहीं होगी और आपने जेनसेट भी बंद करा दिए हैं। उत्पाद कैसे किया जाएगा, प्रोडक्शन कैसे की जाएगी, इसके बारे में बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है इन लोगों को। और जिस तरीके से ऑटो इंडस्ट्री डाउन जा रही है, इसी तरीके से सारी इंडस्ट्री डाउन जाएगी। यहाँ कई छोटी छोटी वर्कशॉप्स हैं जिनमें लाइट की परेशानियाँ रहती है और वो छोटा जनरेटर चला के अपना व्यवसाय चलाते हैं, अपना घर, अपने बच्चों का पेट पालते हैं, उनको स्कूल की शिक्षा सब इसी चीज़ों पे डिपेंडेंट है। जेनसेट बंद करने से बहुत बड़ा धक्का रहेगा। बेहतर ये होगा कि पहले हमें 24 घंटे की लाइट दी जाए और उसके बाद जेनसेट हटाया जाए जैसे कि हर देश में होता है। ये बात हम लोगों ने अपने चीफ मिनिस्टर खट्टर साहब, मनोहर लाल खट्टर जी को भी कई दफ़ा कहा है, आप कोई भी चीज़ लागू करते हैं आप हमारे यहाँ से भी मेंबर्स को बुलवाया करिए ताकि उनसे डिस्कस करके कोई कदम उठाएं। सरकार कदम उठाने के बाद डिस्कस करती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? तब तक तो हमारी फैक्ट्रीज बंद रह जाती हैं। तो कोई भी चीज़ हो हमारी संस्था में से मेंबर्स को बुलाया जाए, डिस्कस किया जाए। इस चीज़ को करने से क्या आपकी इंडस्ट्रीज को नुकसान तो नहीं होगा? नुकसान होने के बाद हम बात करें तो उसका क्या फ़ायदा? उद्योगपति क्या करेंगे? जो गवर्नमेंट का फैसला होगा वो तो शर्माते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इस फैसले को इतनी जल्दी नहीं लेना चाहिए। पहले जो लाइन पे काम चल रही है, जो पुरानी लाइन है, उसमें सुधार करें, बिजली 24 घंटे दें और ये आश्वासन भी दें कि भी अगर लाइट जाती है तो कस्टमर को, कंज्यूमर को उसका खामियाजा कस्टमर को ना भुगतना पड़े, उसके बदले में गवर्नमेंट उसकी जिम्मेवार होगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर लोग सब सहन करने को तैयार हैं। गवर्नमेंट पहले इसकी पूरी फैसिलिटी हमें दे, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम साथ देंगे गवर्नमेंट का।